मैं हैरान हूं, अब न्यू इंडिया का विरोध होने लग गया। क्या कारण है? मैं ये तो समझ सकता हूं भाई, न्यू इंडिया में तुम्हारी जो 10 बातें हैं, 5 तो ठीक है, 5 बेकार है। मैं ये तो समझ सकता हूं कोई ये कहें भाई न्यू इंडिया का कंसेप्ट देश को आगे बढ़ना है, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं किया था, डिक्ने नहीं किया था, इसलिए हमको भी नहीं करना। अरे कौन क्या करता है, छोड़ो यार, हम 5000 साल पुराना देश है, दुनिया की एक महान परंपरा लेकर के आए हुए लोग हैं, और ने किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए, हमें आगे बढ़ना है और दुनिया के अंदर हमने अपना नाम ऊंचा करना है। ये काम 125 करोड़ का देश है, क्यों ना सपना देखे। हम ये कह सकते भाई ये 10 ठीक नहीं है, हमारी ये 5 ठीक है, उसके लिए प्रयास करें, लेकिन देश के लोगों को निराशा की ओर धकेलने का पाप न करें। हम उसमें मॉडिफाई करें, हम उसमें सुधार करें, हम उसमें कहें ये 4 ठीक है, 4 ठीक नहीं है, ये सब लोकतंत्र की परंपरा में अवकार्य है, लेकिन आउटराइट इस प्रकार से हम कहेंगे, और हमें तो पुराने ओल्ड इंडिया चाहिए। क्यों भाई? इसलिए वो ओल्ड इंडिया जहां कैबिनेट के निर्णय को पत्रकार परिषद में फाड़ दिया जाए, वो ओल्ड इंडिया चाहिए हमें। हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि सैर सपाटे के लिए पूरी नौसेना काम में मदद में आ जाए, ऐसा है ऑल इंडिया चाहिए हमें। हमें वो ऑल इंडिया चाहिए कि जो जल थल नभ घोटाले ही घोटाले की खबरों से देश परेशान रहे, क्या ऐसा कहे? हमें वो ऑल इंडिया चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए पहुंच जाए, ऐसे ऑल इंडिया की जरूरत है क्या? रेलवे रिजर्वेशन के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़े जब तक बिचौलिया ना आए, रेल रिजर्वेशन ना बने, क्या ऐसा ऑल इंडिया चाहिए हमें? क्या हमें ऐसा ऑल इंडिया चाहिए कि गैस कनेक्शन के लिए एमपी के घर के कतार लेकर के खड़ा रहना पड़े, एमपी 25 कूपन को लेकर के मारा मारा घूमता रहे, क्या ऐसा ऑल इंडिया हमको चाहिए? हमें कैसा ऑल इंडिया चाहिए? पासपोर्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े, क्या वो ऑल इंडिया हमको चाहिए? क्या हमें वो इंडिया चाहिए जिसमें इंस्पेक्टर राज हो? हमें वो ऑल इंडिया चाहिए जिसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे, प्यून का भी इंटरव्यू, ड्राइवर का भी इंटरव्यू, चौकीदार का भी इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के नाम पर करप्शन, क्या वो ऑल इंडिया चाहिए? मैं हैरान हूं जी, हम देश की जनता हिंदुस्तान को पुराने दौर में ले जाने के लिए कतई तैयार है। देश की जनता अपने सपनों के अनुरूप नए भारत की प्रतीक्षा कर रहा है, और हम सबने सामूहिक प्रयत्न से सामान्य मानवीय के उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो प्रयास हम कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। हमने कोशिश की है, पहले या तो दिया जलाओ, रिबिन काटो, या नीति घोषित करो, उसी को सरकार का काम माना जाता, लास्ट माइल डिलीवरी, ये जैसे हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, यह रहा। उस पूरे कल्चर को हमने बदला है, हमने नीति भी बदली, हमने रणनीति बदली, हमने वृत्ति और प्रवृत्ति को भी बदला है, और उसका परिणाम है अब यहां कहा जाता है हमने किया हमने किया, लेकिन गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे, क्या यूपीए के समय नहीं बनते थे? बनते थे, हमने भी बनाए। आप कहेंगे क्या नया किया? नया ये किया कि आप 5 साल में 25 लाख बनाते थे, हम 5 साल में 1.5 करोड़ बनाते थे, ये बदलाव है। और इसलिए मैं समझता हूं हमने जो एक नए सिरे से वातावरण बनाने की कोशिश की है, सरकारीकरण से बाहर निकल करके हमने सरलीकरण को बल दिया है, और यही है हमने देखा है आजादी के इतने सालों के बाद आजाद भारत का जो सपना था, उन सपनों को रुकावटें क्या बनी? अभाव, प्रभाव और दबाव। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की, या तो कुछ लोगों को अभाव में जीना पड़ा, कुछ लोग प्रभाव के कारण हड़प करते गए, और कुछ लोग दबाव के कारण कुछ रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए। देश का स्वस्थ विकास के लिए अभाव की चिंता सरकार जरूर करे, लेकिन प्रभाव और दबाव के बीच देश के सामान्य मानवी को कुचलने न दिया जाए, और इसलिए हमने उस रणनीति को अपनाया है, और उस रणनीति को आगे ले जाने का हमारा प्रयास रहा है। हम सामान्य मानवी के सशक्तिकरण की ओर काम कर रहे हैं।